अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। जब भी किसी ने अपना वज़न कम करना होता है और वो किसी से मशवरा लेता है तो हमारे यहाँ अमूमन क्या कहा जाता है, भाई ग्रीन टी पीना शुरू कर दें, सुबह उठते ही खाली पेट ग्रीन टी पिएं, दोपहर को ग्रीन टी पिएं, रात को ग्रीन टी पिएं, खाना पीना छोड़ दें, जब भी भूख लगे प्यास लगे ग्रीन टी पिएं। अब मसला ये है कि ग्रीन टी फैट लॉस में हेल्प तो ज़रूर करती है, लेकिन इसके फैट लॉस के अलावा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, और इसको सिर्फ ग्रीन टी को सिर्फ फैट लॉस के ज़ुमरे में ही रखा जाता है और हम पीने में इंतहा कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फैट लॉस के अलावा कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसको ज़्यादा कंज्यूम करने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, अगर आपने इसको कंज्यूम करना है कितना लेना है दिन में, कैसे लेना है, उसको तैयार कैसे करना है और उसको किस वक्त लेना है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और वीडियो से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी अपलोड की गई वीडियोज़ की बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी के बेनिफिट्स के ऊपर। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कैटेचिन बोलते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जिसकी वजह से फैट लॉस अच्छे तरीके से होता है। फिर ये हमें बहुत सी हार्ट डिजीज़ से बचाता है। फिर इसमें हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके साथ ये टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बड़ी हेल्प करती है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो उसको कम करने में बहुत हेल्प करती है, हमारे लिवर किडनी इन सब के लिए अच्छी है। फिर इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ख़ास किस्म के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन हर तरह के कैंसर के लिए ये मतलब बेहतर नहीं है, मतलब हर तरह के कैंसर सेल्स के ऊपर ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन कुछ टाइप के कैंसर हैं जिन पर ये इफ़ेक्टिव होती है। अब जब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हम इसको बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमने इतना लेना है इतना नहीं लेना, जिसको प्यास लगनी है भूख लगनी है ग्रीन टी पी लें ग्रीन टी पी लें, मगर याद रखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए जब बहुत ज़्यादा ग्रीन टी को कंज्यूम किया जाता है तो वो हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देना शुरू करती है। तो चलें इसके कुछ मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता दूँ। जब हम ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे मैदे को अपसेट कर सकती है, डायरिया हो सकता है, हमें गनूदगी हो सकती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की जब आपको प्रॉब्लम होगी तो उससे होता ही है कि बॉडी में मौजूद कैल्शियम वो हमारे यूरिन के ज़रिए बहुत ज़्यादा अखराज हो जाता है उसका, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, जिसको हम जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, आपकी फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसी तरह जब आप इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी से आयरन की कमी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। जहाँ ये लिवर के लिए बहुत अच्छी है वहाँ इसकी ज़्यादा कंजम्पशन आपके लिवर को भी डैमेज कर सकती है। इसलिए आपने जिस वक्त भी ग्रीन टी को यूज़ करना है कंज्यूम करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतनी ख़ास मिकदार में ही उसको इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात करते हैं कि आपको ग्रीन टी लेनी कितनी चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ओ ब्लड ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, चाहे ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, उनके स्टमक एसिड में जो उनका स्टमक एसिड का लेवल है वो हाई होता है, और इस सूरत में उनको एक दिन में 2 से 3 कप लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, वरना वो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह शुरू हो जाएगी उसमें। और जो ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उनके स्टमक एसिड का लेवल कम होता है, इसलिए वो 4 से 5 कप्स दिन में ईजीली ले सकते हैं। तो आपने जब भी इसको कंज्यूम करना है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और उस हिसाब से इसको करें। अगर आपको ब्लड ग्रुप का नहीं पता तो आप ये देख लें कि आपको जिस वक्त 2 कप ले रहे हैं 3 कप ले रहे हैं उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको कोई अपसेट होना शुरू होता है आपका स्टमक, या आपको कोई गनूदगी या कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं या जलन का इशू होता है, तो फिर आप समझ जाएँ कि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी को हम बनाएंगे कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारे यहाँ बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जब भी ग्रीन टी बनाने लगते हैं तो हम पानी को बॉयल करना शुरू करते हैं और बीच में ही ग्रीन टी डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसको बनाने का सही तरीका ये है कि आप पानी को पहले बॉयल करें, उसके बाद उसको चूल्हे से उतारें, उसके अंदर ग्रीन टी डालें, 20 से 25 सेकंड तक आप उसको उस पानी में रहने दें, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लें और फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें। या अगर आपके पास टी बैग्स हैं तो आप टी बैग्स को ऐसे ही पानी में डिप्स दें 25 से 30 सेकंड और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अगर आप ग्रीन टी को पानी के साथ ही बॉयल करेंगे तो जब पानी बॉयल होगा तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी ग्रीन टी की और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा पीने का। अब अगर आप इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी के लिए पानी बॉयल करने के लिए रखें, इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डालें और इसको बॉयल होने दें, वो अदरक उसी पानी में साथ साथ बॉयल होती जाएगी। उसके बाद आप इसको उतारें, इसके अंदर आप ग्रीन टी डालें या टी बैग्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद 25-30 सेकंड उसी तरह रख के उसके बाद इसके अंदर लीमू आप थोड़ा सा निचोड़ें और आप इसको यूज़ करें। अब इससे होगा क्या कि इससे एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, कार्ब्स और शुगर की को बॉडी अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज कर सकेगी, फिर इसके साथ साथ प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़ा देगी जो कि फैट लॉस के साथ साथ आपके मसल को बिल्ड करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ग्रीन टी को किसी भी नॉन सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उसके साथ आप यूज़ करें, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, बेरीज हैं, पीच है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट है, इसके साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर करना चाहते हैं तो ग्रीन टी को नट्स के साथ इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा। एक मुट्ठी भर आप मूंगफली ले सकते हैं, 10 से 12 बादाम ले सकते हैं, या 10 से 12 बादाम ले सकते हैं, या 3 से 4 आप अखरोट ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ, उससे आपकी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी को लेना कब चाहिए। आप किसी भी बंदे से पूछ लें, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रीन टी यार वज़न कम करना है, ग्रीन टी पीनी है, वो कहेगा जी सुबह उठें, निहार मुँह आप ग्रीन टी पिएँ, लीमू निचोड़ें, दिस एंड दैट, एक वो टोटका सा बनाया हुआ है और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, जबकि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि ग्रीन टी है क्या और अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो इसका नुकसान क्या है। जब भी आप ग्रीन टी को खाली पेट लेंगे ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। क्यों? इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको हम पॉलीफिनोल या टैनिंस कहते हैं। ये क्या करता है कि ये आपको, अगर आप इसको खाली पेट लेंगे तो ये आपका जो स्टमक एसिड है उसमें टॉक्सिकेशन पैदा करेगा, आपको हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और बहुत से लोगों में ये जो अक्सर मेरे से भी क्लाइंट बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम ग्रीन टी अगर सुबह पीते हैं फिर मेदे में जलन होती है और वो अजीब सी इशूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी मेन वजह यही है कि जब आप उसको खाली पेट लेंगे तो ये आपको नुकसान देगी। इसको लेने का बेहतर तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी मील के एक घंटे पहले या एक घंटे बाद लें और बिटवीन मील्स लेना है। आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद अगर आप इसको दोपहर के खाने से पहले, या अगर आप एक ख़ास डाइट पे हैं और आपके 4 to 5 मील्स हैं तो आप मील की टाइमिंग से एक घंटा पहले और उसके एक घंटा बाद ले सकते हैं। अगर आप इसको एक घंटा पहले लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एपेटाइट को कम करेगा, भूख को कम करेगा, जिसके नतीजे में जब आप खाना खाएंगे तो आप कम खाएंगे और वो इवेंचुअली आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आप इसको एक घंटे खाने के एक घंटे बाद पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब कभी भी आपने सोने से आधा घंटा 20 मिनट पहले ग्रीन टी नहीं पीनी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि उससे उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती, ज़्यादा देर तक जागना पड़ता है, तो ये ग्रीन टी के साथ ये इशू है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रीन टी पिए और साथ ही सो जाएं ताकि वो आपके डाइजेस्ट होने से पहले पहले आप सो सकें, उसमें वो हेल्प कर सकती है, लेकिन बहुत सी स्टडीज़ इससे एग्री करती हैं और बहुत सी एग्री नहीं भी करती हैं। इससे बेस्ट टाइम तो यही है कि आप मील्स के दरमियान इसको लें और मुनासिब मकदार में लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, आपको ग्रीन टी के बारे में भी काफ़ी पता चल गया होगा कि ये सिर्फ वज़न कम नहीं करती और इसको बेतहाशा पीने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, इसलिए इसको मॉडरेट, इसका इस्तेमाल मॉडरेट रखें, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी रखें ताकि ये आपको फ़ायदा दे सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ
फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।